Hello students, today we are going to start a topic on Newton-Gregory forward interpolation formula. तो इसकी numerical problem solve करेंगे हम यहाँ पर आज जो है तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो है यूज जो होता है जो हमारी x की वैल्यू होती है उसके लिए इक्वल इंटरवल होना चाहिए. जैसा कि हम इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि 0 से 1 वन 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 का डिफरेंस यहाँ पर एक्स में दिया है, ये तभी यूज होता है. और इंटरपोलेशन से का मीन मेनली ये है कि हमें पर्टिकुलर अगर कोई वैल्यू इनके बीच में चाहिए, सपोज करिए 0 के लिए एक्स की वैल्यू 0 तो फंक्शन हमारा 1 दे रहा है, अगर 1 एक्स की वैल्यू 1 है तो 2 देगा, 2 है तो 1 देगा, 3 है तो 10 देगा. और आप चाहते हैं कि भाई बताइए 0.5 अगर एक्स की वैल्यू हो तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. तो ये हमारा इंटरपोलेशन होता है. एक होता है एक्सट्रापोलेशन. एक्सट्रापोलेशन में क्या होता है, हमें आउटसाइड यानी हमें ये 0 से लेकर 3 के अलावा अगर कोई वैल्यू पूछे हमसे कि बताइए जी 3.5 पे क्या होगा, तो एक्सट्रापोलेशन होता है. तो अभी यहाँ पर हम इंटरपोलेशन है और इंटरपोलेशन के लिए जो हमें यहाँ पर ना न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिया है, इसको सॉल्व करना होगा यहाँ पर जो प्रॉब्लम को. और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैसे जो इसको करते हैं वो देख लीजिए आप. सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स गिवन है और यहाँ पर हमें ये जो है वाई भी कह सकते हैं और एफ एक्स भी गिवन है. और यहां पर हमें पूछा गया है कि इसका पॉलिनोमियल क्या होगा. तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसकी एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं. इसको हम डिफरेंस टेबल बोलते हैं. एक तरफ हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं और एक तरफ जो है वाई की वैल्यू लिख लेते हैं. एंड नाउ वी फाइंड आउट द डेल्टा वाई. डेल्टा वाई हाउ टू कैलकुलेट, हम क्या करते हैं कि जो है आपकी जो वैल्यू है जो भी वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू उसमें से माइनस कर देते हैं 2 - 1 और वी राइट द वैल्यू इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज. तो हमने 1 और 2 के बीच में ही 1 लिख दिया. यहाँ पर 1 - 2 - 1 इन दोनों के बीच में लिख दिया. फिर 10 - 1 - 9 वी हैव टू राइट इन बिटवीन द 10, 1 एंड 10. इसी तरीके से हमने जो है डेल्टा स्क्वायर निकाला, इसको हम सेकेंड डिफरेंस बोलते हैं. अब ये -1 - 1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और 9 - -1 ये ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा. वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि वी हैव टू राइट द डिफरेंस वैल्यू इन बिटवीन द नंबर, जो दो नंबर दिए उनके बीच में ही लिखना है हमेशा. अब ये हमारा 10 आ गया, 10 - -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12. इस तरीके से हम डिफरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं. और यहाँ पर जनरल हमें पॉलिनोमियल निकालना है. यहाँ पर पर्टिकुलर हमें ये नहीं कहा गया कि हमें जो है कि आप 0.5 पे बताइए, 1.5 बताइए, 1.6 बताइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया. इस क्वेश्चन में खाली कहा गया कि इन टर्म्स ऑफ हमें एक्स निकालना है, यानी पॉलिनोमियल निकालना है हमें. तो यहाँ पर जो हम डिफरेंस देखते रहे हैं तो यहाँ पे एच एच होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है इन एक्स और इट शुड बी सेम फॉर दिस मेथड. तो यहाँ पर क्या है कि 0, 1, 2, 3 तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा 1 है, एच 1 है यहाँ पर. तो एक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स नॉट प्लस ए प्लस जो है यू एच, यहाँ पर जो है एक्स और ये हमारी जो है क्या फर्स्ट वैल्यू जो ए होती है हमारी वो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की और जो हमारा एच होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पर और यू निकालना होता है हमें. ये जो फॉर्म ये जो हमारी सीरीज है इसमें हमें यू की वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है एक्स विल बी एक्स और ए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. एच जो है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 1 ही है तो यहाँ 1 हो जाएगा और यू तो यू इक्वल टू आ गया एक्स. एक्चुअली जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन. जैसे कि यहाँ पर हमें हमारे पास जो है अप टू डेल्टा क्यू वाई तक ही दिया गया है, इसलिए हम डेल्टा क्यू वाई तक ही इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर. अब क्या करते हैं इस केस में जो है, अब हमारा जो है यू की वैल्यू क्या आ गई, यू की वैल्यू आ गई एक्स. तो हम फॉलो में पुट कर देते हैं इन, तो इन प्लेस ऑफ यू वी राइट एक्स. तो यहाँ पर हमने इन प्लेस ऑफ यू एक्स सभी जगह लिख दिया. उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है दैट्स वैल्यू इज वाई नॉट और जो इसके नेक्स्ट जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी डेल्टा वाई नॉट, ये हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और ये हो जाएगी हमारी डेल्टा क्यू वाई नॉट. तो यहाँ पर हमने एरो से इसको दिखा दिया. आप चाहें तो इसको इस तरीके से पूरा पूरा एक जो है बॉक्स में क्लोज करके भी दिखा सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा वाई नॉट की वैल्यू 1 हो गई, एक्स जो हमारा यू की वैल्यू थी एक्स, डेल्टा वाई नॉट भी हमारा 1 है तो 1 रख दिया हमने, एक्स एक्स माइनस अपॉन फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट दैट इज -2, ये -2 हो गया हमारा. अब आगे आ रहा है हमारा जो है डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट हमारा 12 है और ये हो गया एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3. तो इनको जब सभी को ना ये फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से ये फैक्टोरियल 3 6 होता है 3 × 2 तो 6 से ये 2 आ जाएगा. तो इन सबको जब है ना व्हेन वी सॉल्व ऑल द टर्म्स वी गेट दिस टर्म. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एंड
ये जो हमारा है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ वी हैव टेक अनदर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द डेसिमल सेंसस वाज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर 1895। तो 1895 इन बिटवीन दिस, यानी हमें यहाँ पर इसके बीच में वैल्यू निकालनी है, तो इंटरप्रेट करनी है वैल्यू यहाँ पर हमें कि इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो पहली बात तो ये हम चेक करते हैं कि ये क्या ये न्यूटन फॉरवर्ड से सॉल्व होगा नहीं होगा। तो फॉर सॉल्विंग न्यूटन फॉरवर्ड द डिफरेंस शुड बी सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 91, फिर 1901, 1911, 1921, 1931, यानी डिफरेंस सबका सेम है, 10 है, तो यहाँ हमारा काम चल जाएगा। तो एच हमारा 10 है, जो फर्स्ट प्रीवियस वैल्यू है वो ए हमारी 1891 है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा जो है, जिसको वैल्यू को पूछा जाता है, सर पिछली वैल्यू हमने उन्होंने सीधा एक्स को ही पूछा था, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ए प्लस एच यू। तो ए हमारी क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी जो है जो दी हुई है हमारी 1891, तो 1891 हो गया। एच क्या है, 10 है हमारा, और यू हो गया हमारा ये जो है, यू तो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। और 1995 पर जो है वैल्यू पूछी गई है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पर इसी की हमें डिफरेंस टेबल निकाल ली। डिफरेंस टेबल वही पूरा जो है अभी आपको बताया था लास्ट मेथड में, 66 माइनस 46, 81 माइनस 66, 93 माइनस 81, 101 माइनस 93, तो ये डिफरेंसेस कम आ गए। 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15, 8 माइनस 12, तो इस तरीके से ये सारे सारी यहाँ डिफरेंस टेबल आ गई। अब बात करते हैं कि न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला होता है, सीधे सीधा वाई नॉट प्लस जो भी पीछे में लिखा था हमने, यहाँ पर वाई नॉट की जगह यहाँ पर 18 जो है 91 का जो वाई नॉट इसको मानते हैं, तो वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई नॉट। और यहाँ पर हमें 4 तक जाना है, तो इसलिए यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई नॉट। अब यहाँ पर हमें खाली सिंपल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो वाई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। वाई नॉट की वैल्यू इज 46, 46 पुट कर दिया, यू की वैल्यू 0.4, नेक्स्ट वैल्यू इज 20, 20 पुट कर दिया, फिर 0.4, 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इज ऑलवेज 2 इंटू माइनस 5 हो गया नेक्स्ट वैल्यू। फिर अगर 2 वैल्यू आने वाली है, 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 2 हो गया, फिर 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 अपॉन 24, ये हमारा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और जो हमारे फोर्थ हमारा जो है डिफरेंसेस वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 पुट कर दिया। व्हेन वी सॉल्व दिस दिस इक्वेशंस जो आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद सीधे सीधा आपको जो आंसर आएगा 54.852 थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स में हमारे गिवन था हमारा, इसलिए जो थाउजेंड्स में आंसर आएगा, तो ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। और इस तरीके से कोई भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स जो गिवन होती है, हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर जो है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दी गई है, फंक्शन दिया गया है आपसे, और 3.2 पर पूछा है उन्होंने आपसे जो है, 3.2 पर पूछा है, तो 3.2 हमारा जो है आएगा 3 और 4 के बीच में। तो बेटर ये होता है कि हम इसको जो है एक्स को 3 से ही स्टार्ट करें, 3, 4, 5, 6, और यहाँ डिफरेंस क्या है, समय 1, 1 का डिफरेंस है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना 3 से स्टार्ट करा हमारा 16, 20, 24, 38, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 20, 16, 4 हो गया, 24, 20 हमारा 4 हो गया, 38, 24, 14 हो गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, 14, 4, 10 हो गया, फिर 10 माइनस 0, 10 हो गया, ये डेल्टा क्यू तक जा रहा है, इसलिए डेल्टा क्यू तक का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने से पहले देख लेते हैं यहाँ पर एच कितना है, 1 है यहाँ पर, फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी वो 3 है यहाँ पर, और जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एच यू, और जिस वैल्यू पर हमें कैलकुलेट करना होता है वहाँ ध्यान में, तो 3.2 हमने यहाँ पर इस टेबल को इसलिए लिया है कि 3.2 जो है हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा, इसलिए हमने 3 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 3, और एच हमारा 1 है ही है, यू कैलकुलेट कर लेंगे, यू आ गया हमारा 0.2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये जगह हमारा एफ थ्री प्लस यू डेल्टा एफ थ्री, यू यू माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ थ्री, और यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल डेल्टा क्यू एफ थ्री। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर एफ थ्री की वैल्यू 16 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0 है, फिर 10 है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी यू इंटू हमारा जो वैल्यू है एफ थ्री 4 हो गया, डेल्टा एफ थ्री 4 हो गया, फिर 0.2 माइनस अपॉन 2 अपॉन 2 हो गया, और ये हमारा 0 का मल्टीप्लाई 0 वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पर 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 6
इंटू टेन, टेन वैल्यू आई है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 17.28। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। कि अगर हम बात करें कि 3.2 के लिए हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी 17.28। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक हम एक्सपेक्टेड अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, जिस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में ही कोई हमारा आंसर आना चाहिए, तो जो कि आ ही रहा है, तो इट इज अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन द स्कोर बिटवीन 40 एंड 45। अब देखिए 40 एंड 45 को दिया गया है, तो यहाँ पर हमने सीधे सीधा जो है 40 एंड 45 के बीच में निकाला है, तो इसमें ये करते हैं हम स्कोर लेस देन निकाल लेते हैं, क्योंकि 40 से कम वाले कितने हैं 31, फिर 42 से फिर निकालिए ना 50 से कम वाले कितने हैं, 60 से कम वाले कितने हैं, 70 से कम वाले कितने हैं, 80 से कम वाले कितने हैं। एक तरह से ये क्यूमुलेटिव आपको डाटा दे देगा सारा का सारा। 31 अगर हम बात करेंगे चीज़ ऐसा ये 50 से कम वाले कितने, तो हमने 42 और 31 को ऐड कर दिया, फिर क्या दिया कि 60 से कम वाले कितने, जो भी एडिशन आया था उसमें 51 ऐड कर दिया आपने, फिर 35 ऐड कर दिया उसके अंदर जो भी आंसर आया, फिर 31 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमारा वाई निकल के आ जाएगा। हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि 40 से कम इतने 31 स्टूडेंट हैं, 50 से कम 73 हैं हमारे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 60 से कम वाले जो है 124 हैं, 70 से कम वाले 159 है, और 80 से कम वाले 190 से। और अब हम निकालेंगे 45 से कम वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो अगर हम 45 से कम वाले मिल जाएं और 40 से कम वाले मिल जाएं, तो हम क्या करेंगे 45 से कम वालों में से 40 से कम वालों को माइनस कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 40 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। इसलिए हमने 45 पे यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं यहाँ पर, तो इनिशियली हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा 40 आ गया, एच कॉमन डिफरेंस 10 हो गया, और यहाँ पर हमने लिया 45 के इक्वल टू 45 पे हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो ए प्लस एच यू, तो ए वैल्यू हो गई हमारी 40, हमारा एच है 10, और ये वैल्यू इक्वल टू 45, तो यू इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर 0.5। अब वहीं पर हम न्यूटन फॉरवर्ड निकालेंगे, डिफरेंस टेबल तो आपको आता ही है कि डिफरेंस टेबल आपको जो है प्रीवियस वैल्यू माइनस कर देते हैं वैल्यू में से, 73 माइनस 31, 124 माइनस 73, तो इस तरीके से हमारा निकाल लिया हमें 40 क्यों जो है हमारी इनिशियल वैल्यू हमने कंसिडर की थी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा एंड तक डेल्टा 4 तक। फॉर्मूला हमारा सीधे सीधा वाई 40 प्लस यू डेल्टा वाई 40, और आपका यू यू माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई 40, यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई 40, और यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई 40। नाउ वी पुट द वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल। अब इसमें से आप यही देखो, यू पहली वैल्यू 31 हो गई, यू की वैल्यू 0.5 है, नेक्स्ट वैल्यू 42 हो गई, फिर यू की वैल्यू 0.5 है, 0.5 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, ये मल्टीप्लाई 9 हो गया, इस तरीके से सारी वैल्यू पुट कर दी और यू गॉट आंसर इज 48। ये एक्चुअली में नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसलिए इसको राउंड ऑफ कर लिया है, आंसर हमारा 47.8672 आ रहा था, लेकिन राउंड ऑफ करने से 48 मान लेते हैं। अब देखिए हमारा 40 से कम वाले कितने थे, 40 से कम वाले थे 31 स्टूडेंट, और 45 से कम वाले कितने हो गए हमारे 48 स्टूडेंट, तो अगर हम 31 माइनस करते हैं 48 में से, तो टोटल स्टूडेंट आए थे 70, तो 17 स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स हैं, जो स्कोर है हमारा, वो जो है 40-45 के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ फिनिश हो जाती है, और नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो न्यूटन है ना, अभी फॉरवर्ड सॉल्व किया है, नेक्स्ट वैल्यू हम जो यूज़ करेंगे न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।